गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस 8th क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बिफोर दिस डे वी हैव रीड past simple tense and past continuous tense ki helping verbs was were। past continuous mein kaun kaun se helping verbs hain? was and were, yani ki past continuous ka means kya hota hai ki कार्य हो रहे थे जब हमने कभी देखा कभी किया उस टाइम काम जो था वो वर्तमान में चल रहा था, लेकिन जो कार्य हो चुका और उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है तब उसके लिए किसका यूज किया जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वो आते हैं वाज एंड वर, और मेन वर्ब जो है इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इट मींस इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे एमवी फर्स्ट आईएनजी का यूज। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज है, ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स जो है ये दो तीन की है, दोनों हेल्पिंग वर्ब्स की यूजेज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम वाज का यूज करें और मेन वर्ब के रूप में प्लस एनवी फर्स्ट आईएनजी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट में किसका यूज करेंगे? प्लूरल में वर्ब जो है इसका यूज करेंगे हम वर्ब प्लस एमवी फर्स्ट आईएनजी का यूजेज। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चा रो रहा था, द चाइल्ड वाज वीपिंग, बच्चा रो रहा था। यहां बच्चा क्या कर रहा था? जब हमने देखा एट द टाइम वी सॉ द चाइल्ड, द चाइल्ड वॉज वीपिंग, जिस समय हमने बच्चे को देखा बच्चा रो रहा था, ये उसकी एक्टिविटी थी। लेकिन हमने उसको रोते हुए देखा उस टाइम तो प्रेजेंट था, क्योंकि काम रोने का हो रहा था, बच्चे के द्वारा रोया जा रहा था। लेकिन उसके बारे में जब हमने बात कही किसी थर्ड पर्सन को, तब पहले बच्चे का रोने का काम समाप्त हुआ, उसके बाद में हमने वो बात कही। इट मीन्स बच्चा रो रहा था जब हमने देखा उस समय। यहाँ चाइल्ड जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज का यूज है। अगर यहाँ पे इफ वी यूज द प्लूरल सब्जेक्ट चिल्ड्रन, अगर हम यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट चिल्ड्रन का यूज करते तब यहाँ क्या हो जाता? वर वीपिंग, चिल्ड्रन वर वीपिंग। अब इसके साथ में द आर्टिकल नहीं आएगा, द चाइल्ड वॉज वीपिंग बच्चा रो रहा था, द चिल्ड्रन वर वीपिंग नहीं होगा, चिल्ड्रन वर वीपिंग बच्चे रो रहे थे, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा इस प्लूरल वर्ड में। अब यहाँ सिंगुलर के साथ में वाज का यूज है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज है। वीपिंग जो है ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में आईएनजी का यूज है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इसमें नॉट का यूज कर देते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड वॉज नॉट वीपिंग, बच्चा नहीं रो रहा है। द चाइल्ड वॉज नॉट लाफिंग, बच्चा नहीं हंस रहा है। द चाइल्ड वॉज नॉट बाथिंग, बच्चा स्नान नहीं कर रहा है। द चाइल्ड वॉज नॉट डांसिंग, बच्चा डांस नहीं कर रहा था। तो इसमें जो भी हमने पहले देखा और उसका डिस्क्रिप्शन किया, ये सब चीजें किसको शो करती हैं? ये
ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो करती है। इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तब हेल्प टू वर्ब पहले आ जाते हैं, यानी कि ये जो सेंटेंस पैटर्न है इनका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको पहले ही प्रीवियस क्लासेस में करवा चुकी हूँ, लेकिन इसको एक बार फिर भी रिपीट करना चाहेंगे तो एट द टाइम वी बिकेम फेस टू फेस, जिस समय हम फेस टू फेस होंगे मैं ये चाहती हूँ कि उसी समय ये चीज होनी चाहिए। तो ये मैं शॉर्टली अभी आपको करवा रही हूँ क्योंकि जो चीज हमारी पहले की हुई है उसको एक बार रिमेम्बर करना है, रिमाइंड करवाना है आपको कि आपको याद आ जाए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है, मेरा पर्पस क्या है, व्हाट इज माय एम और टारगेट एट दिस टाइम, आई वांटेड टू सॉल्व द एक्टिव टू पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड अदर एक्सरसाइजेस वन बाई वन। मेरा मीन्स ये है कि मैं ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट कर देना और यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब्स एक बार याद दिलवा के दोबारा से और फिर ग्रामर की जो चीजें हैं दूसरे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आना चाहती हूँ क्योंकि ये नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में होती है हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, नेगेटिव अगर हो तो उसके साथ में हैड वर्ब लग जाएगा। इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ऑलवेज यूज ऑफ एमवी थर्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखिए हेल्पिंग वर्ब्स याद दिलवा देती हूँ आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड के साथ बीन का यूज होगा प्लस एमवी थर्ड होगी, यानी कि हैड के साथ क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। और जब नेगेटिव बनाना हो तब इसमें क्या करेंगे हम? हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, हमें उल्टा नहीं करना है। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं? हैड बीन नॉट कर देते हैं। हैड बीन नॉट इज रॉन्ग वे इन ए सेंटेंस, बट not is used between had and been. Not का जो यूज होता है ये नेगेटिव में वो had और been दोनों के बीच में मिड में यूज किया जाता है। So it is right way. Use of not. अब इसमें had been और had not been जो है इसके अंदर perfect tense जो होता है perfect में इसकी main verb की third form का यूज होता है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एमवी फर्स्ट आईएनजी का यूज होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो एट दिस टाइम आई इरेज द ब्लैक बोर्ड एंड वी वांट टू स्टार्ट फ्यूचर टेंस। सिंपल टेंस लास्ट ईयर मैंने एक बार नहीं कई बार आपको क्लास में टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स ही करवाई हैं। अगर ऑलमोस्ट आप मुझसे सही वे में पूछे एकदम राइट मुझसे पूछना चाहे तो कम से कम 8 to 10 टाइम्स मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स पे बार बार जोर देके क्लास में करवाई है, यानी कि दूसरे टॉपिक्स पे इतना प्रेशर मैंने नहीं डाला बजाय कि किस पे? टेंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपकी जो ग्रामर है ग्रामर पोर्शन जो है हमारे ग्रामर पोर्शन के अंदर सबसे मेन चीज क्या होती है? टेंस होता है। अगर बच्चे को टेंस की नॉलेज है परफेक्ट टेंस आता है और उसके एडवर्बियल वर्ड भी उसे ठीक से आते हैं तब बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैं इसको शॉर्ट वे में ही करवाना चाह रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को हेल्पिंग वर्ब्स एट द टाइम यू हैव ऑलरेडी लर्न ऑल ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स रिलेटेड टू द
इच टेंस, आप प्रत्येक टेंस से संबंधित जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स थी आप लर्न कर चुके थे, बट एक बार आप अभी आपको नोटेड भी करनी है और इन्हें रिवाइज भी करना है। अब देखिए हम आए फ्यूचर टेंस पे। सबसे पहले है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल एंड शैल। वो हेल्पिंग वर्ब होती है विल एंड शैल। फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि भविष्य के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? भविष्य के बारे में। और इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब पूरे टेंस में यूज की जाती हैं। इनके साथ में दूसरे कोई भी वर्ड ऐड होता है, बट विल और शैल फ्यूचर सिंपल में भी रहेगा, कंटिन्यूअस में भी रहेगा, परफेक्ट में भी रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहेगा। एंड विल एंड शैल मॉडल के रूप में भी यूज किए जाते हैं। विल एंड शैल यूज्ड एज ए मॉडल इन ग्रामर। ग्रामर में मॉडल के रूप में भी इनका यूजेस होता है। एंड मॉडल इज यूज्ड एज द हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल जो है वह एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। तो ये इसका डिवाइडेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ। विल एंड शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इसमें किया जाता है, यानी कि इसके साथ कुछ नहीं जुड़ता है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ विल यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट आई वी के साथ यू का यूज होता है, बट कभी कभी इसमें उल्टा भी होता है। और वो चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा क्लास के नोटबुक, आप सेवंथ एंड एट्थ क्लास के बच्चे अगर निकाल के देखें, सिक्स सेवंथ एट्थ के, तो सभी बच्चों की नोटबुक में नोटेड है कि विल का यूज कब प्लूरल के साथ होता है और शैल का यूज कब सिंगुलर के साथ होता है। अब देखिए विल का यूज हम सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ करते हैं, उसमें आपको मैंने पॉइंट्स लिखवा रखे हैं, परपज है, ऑफर है, थ्रेटन है, इंटेंशन है। यानी कि ऑफर का मीन्स प्रस्ताव होता है, परपज मीन्स उद्देश्य होता है, इंटेंशन मीन्स इरादा होता है, और थ्रेटन मीन्स धमकी होता है या डिटर्मिनेशन है, कोई भी दृढ़ निश्चय है। इन दिस कंडीशन वी यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट शैल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज करते हैं और प्लूरल में किसका हो जाता है? विल का हो जाता है। अब देखिए ये थी इसकी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में बीन एंड शैल एज इट इज रिमेन, इसके साथ बी एड हो जाएगा, विल बी एंड शैल बी प्लस एम बी फर्स्ट आई एन जी। यानी कि मेन वर्ब का जो फॉर्मूला है वो इतना इजी है कि मेन वर्ब का फॉर्मूला अगर हम लेफ्ट टू राइट लेके चलते हैं टेंस में, तो सभी के अंदर सभी की फॉर्म में सेम यूज किया जाता है, सिर्फ पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़ के बाकी सभी टेंसेज में मेन वर्ब का फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट सेम। अब इसमें देखिए विल बी और शैल बी जो है यहाँ बी लगा, बी का मीन्स होता है वैसे होना, और वैसे जो बी है ये क्या है, ये सेंटेंस को पैसिव में चेंज करती है। किसको करती है? पैसिव में। जब भी मॉडल का यूज होता है तब एक्टिव पैसिव के अंदर अगर मॉडल का यूज किया जाता है, ये मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको बीच में, तब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर मॉडल यूज किया गया है कोई भी, देर आर 13 टाइप्स ऑफ मॉडल, मॉडल जो होते हैं वो 13 होते हैं, और उनमें से किसी भी मॉडल का यूज अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में किया गया है, तो ऐसे सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करते हैं, एट दैट टाइम वी चेंज द इन पैसिव वॉइस बी यूज विद मॉडल बी। मॉडल के साथ हमें बी का यूज करना पड़ता है। अगर मॉडल के साथ में हमने बी का यूज नहीं किया तब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता, और उस टाइम हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज भी करना पड़ता है।
क्योंकि पैसिव वॉइस की जो डिमांड है वो क्या है, वो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ एमवी थर्ड का यूजेज है पैसिव वॉइस में। इसलिए यहाँ पे विल बी शैल बी जो है ये बी क्या बताती है, ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस में होना बताती है, बजाय कि इसमें एमवी फर्स्ट आईएनजी का यूज किया गया है, कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसलिए अगर इसको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा, यानी कि मेन वर्ब जो है वो ऑलवेज चेंज होती है किसमें, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में सिर्फ एक ही मेन वर्ब का यूज होता है, वो होती है एमवी थर्ड, चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस का क्यों नहीं है। 12 टेंसेस में से हमारी पैसिव वॉइस सिर्फ एक की बनती है, फोर की नहीं बनती, लेकिन जब हम एट में से किसी भी टेंस में पैसिव वॉइस के सेंटेंस को चेंज करते हैं तब मेन वर्ब के रूप में उसमें थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब यहाँ जो मैं बताना चाह रही थी आपको वो ये चीज थी कि बी का यूज किया गया है। फ्यूचर टेंस में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, विल और शैल, इसके अलावा दूसरी कोई यूज नहीं होती, उसके साथ दूसरा वर्ड ऐड हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ आवर, एग्जाम्पल जो है वो हमारे सामने है, वो क्या है, विल बी और शैल बी। यहाँ पे विल और शैल का यूज ऑलरेडी वी हैव डन इन फ्यूचर सिंपल टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एज रिमेन सेम, इसी प्रकार से, बट इसके साथ में बी का यूज हो गया है। और मेन वर्ब का वही फॉर्मूला, लेफ्ट टू राइट वाला फॉर्मूला, थ्री टेंसेज में सेम। नेक्स्ट थर्ड पोजिशन पे हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट टेंस इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल साथ में मिले, विल हैव एंड शैल है प्लस एमवी थर्ड, यानी कि इसमें मेन वर्ब का यूज है। यहाँ पे विल जो है ये सभी में रिमेन है, शैल भी रिमेन है, और इसके साथ में किसका यूज हो गया है, हैव का यूज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। कंटिन्यूअस है या फिर दूसरा जो है कि स्टूडेंट्स यू नॉट गेट योर होम करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।